नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हिमांशु दादी, आपका मैथ का टीचर। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए, बोल रहे तो त्रिकोण मिति, तीन कोणों की मिति, और वो भी वृत्तीय फलनों के लिए, साइन कोस की तैयारी के लिए। तो देखो भाई दोस्तों, हमने सारणी याद की और सारणी के बाद में हमने उनके मान लिए थे। सारणी में मान कैसे आए वो भी हमने निकाले कि जीरो डिग्री का क्या है। मैंने दो बार वीडियो बनाया था पर वो अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण। सबसे पहले इसी के बनाया था, लेकिन वो अपलोड नहीं कर आ रहा था। मैं वापस इसको तीसरी बार बनाया आपके लिए, और 30-60 डिग्री का अपलोड हो चुका है, 45 डिग्री का भी अपलोड हो चुका है, 45 और 90 डिग्री का। इन दोनों को आप देख लें, और ये 0 डिग्री का है जैसे अपलोड होता है वो आप देख लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, देखते हैं कि भाई 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान किस प्रकार निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले माना एक सरल रेखा क्या है आपके पास, सी है। क्या है एक सरल रेखा, सी एक्स। तो ये सरल रेखा सी एक्स मैंने यहाँ पे बना दी, ये देखो एक बार और बना देता हूँ मैं यहाँ पे सी एक्स। सरल रेखा सी एक्स है मेरे पास। अब क्या कह रहा है, उस पर बिंदु क्या है, ए है। उस पर एक बिंदु स्थित है ए, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई बिंदु क्या है, ए है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो बी है, ए यहाँ पे कैसे आ गया। तो आगे देखो भाई, आगे क्या लिखा हुआ है कि बिंदु ए को सी एक्स से थीटा कोण पर उठाते हैं। मैंने क्या किया, इस बिंदु ए को यहाँ से ले जाकर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मतलब इसको इस प्रकार कुछ थीटा एंगल पर मैंने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो भाई देखो, अब ये यहाँ पे रहा नहीं, ए चला गया यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, बिंदु ए से सी एक्स पर एक बी लंब ए बी पर डालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु पर ए से बिंदु बी पर एक लंब डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये लंब जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा भाई, और ये जो एंगल हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए, ये एंगल क्या हो गया भाई, 90 डिग्री। और अब देखो, अब अपने को पता है भाई ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो अपन यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों के मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलनों के मान अपन ज्ञात करने के लिए हमने देखा है कि 45 और 60 वाले जो थे उनमें हमने क्या किया था, लंब कर्ण और आधार का यूज किया था। तो यहाँ पर भी लंब कर्ण और आधार का यूज करेंगे। तो देखो भाई, लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा जो थीटा के सामने होता है वो, मतलब बोले तो ये अपना क्या हो जाएगा, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला अपना कर्ण, और ये अपना बच्चा आधार। अब देखो भाई आगे एक बात, यहाँ पे तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस साइड लिख दूंगा मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु ए को अपन को देखो किस एंगल के लिए निकालना है, 0 डिग्री के लिए निकालना है। 0 डिग्री के लिए निकालना है भाई, 0 डिग्री ये कब होगा थीटा, 0 डिग्री ये थीटा तभी होगा जब इस बिंदु ए को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ बी के पास एकदम, है ना भाई। इस बिंदु ए को मैं वापस यहाँ पे लेके आ जाऊँ। अब आप कहोगे सर अगर आपको यहीं पे लाना था तो आप यहाँ वहाँ पे लेके होंगे। अरे भाई, इसलिए लेके गए ताकि यहाँ पे क्या बना सके अपन, समकोण त्रिभुज। अपन समकोण त्रिभुजों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज होना जरूरी था, इसीलिए मैं इस बिंदु ए को वहाँ पे लेके गया। अब मैं वापस इस बिंदु ए को क्या करूंगा, यहाँ पे बिंदु बी के एकदम पास नजदीक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु ए को धीरे धीरे यहाँ पे लाता हूँ 0 डिग्री बनाने के लिए इसको, ठीक है। तो जब ये 0 डिग्री बनेगा तो ये भी हो जाएगा भाई, चलो भाई 0 डिग्री बना दिया मैंने पहली बार, तो थीटा क्या हो गया मेरा 0 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये 0 डिग्री होगा तो ये इस प्रकार ही हो जाएगा कुछ, ये सी है, ये बी है, और यहीं पे क्या हो जाएगा मेरा ए, ऐसे ही होगा, तभी 0 डिग्री संभव है, तभी हो जाएगा, हो पाएगा भाई। सी ए जो है वो सीबी पर क्या हो जाए, संपाती हो जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तब सी ए सीबी पर संपाति होगी, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि जब सी ए सी डी पर संपाति होगी तब एक चीज क्या होगी कि भाई जो सी ए होगा मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। संपाति रेखा एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो ये सी ए क्या हो जाएगा, सी डी के जब संपाति हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा भाई, संपाति जब ये इसके संपाति होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि मेरा जो लंब है ए बी, मेरा जो लंब क्या है ए बी, वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो एकदम बी के पास आ जाएगा। तो अपन मान सकते हैं कि भाई ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो सिचुएशन में तीसरी बात अपने पास निकल के आती है, वो क्या है कि ए बी मेरा क्या है, 0 है। आपने ये तीन चीजें निकाल ली, तीन चीजें आपको निकालनी आ गई आपकी 0 डिग्री के लिए त्रिकोण की अनुपातों के मान
निकल चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला है लाल बटा कक्का, इस फॉर्मूले में आपको इस त्रिभुज का यूज करते हुए आपको मान रखने हैं और साइन जीरो को जीरो, टेन जीरो, सेक जीरो को सेक जीरो और फोर जीरो का मान निकालना है। तो चलो भाई निकालते हैं जल्दी से, मैं इनको थोड़ा यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई पहले निकालते हैं अपन साइन जीरो का मान। साइन जीरो का मान क्या था भाई, साइन जीरो का मान जीरो था तो मतलब जीरो मान आना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पे ये जीरो डिग्री होगा थीटा, थीटा ये होगा ना, तो इसको लेके अपन देखते हैं साइन साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन है भाई, ए बी है, और कर्ण कौन है, ए सी या फिर सी ए कह सकते हैं, ठीक है। तो लंब हो गया अपना ए बी और कर्ण कौन हो गया, सी ए हो गया। तो अब ए बी की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, ए बी की वैल्यू अपनी जीरो है, क्यों है, क्योंकि अपन ने ए को यहाँ पे बी के एकदम पास लेके आ गया, जिससे क्या हो गया, ए बी का मान जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ए बी का मान मैंने जीरो रख दिया। अब सी ए का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो में किसी भी चीज का भाग देंगे तो अपने क्या ही आएगा, जीरो आएगा। तो मेरा साइन जीरो का मान क्या हो गया, जीरो, यही था साइन जीरो का मान, चलो आ गया। अब दूसरा देखते हैं भाई कोस जीरो, कोस जीरो क्या, कोस क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है CB और कर्ण क्या है CA। अब यहाँ पे देखो भाई ये CB by CA है, अपने को पता है cos जीरो का मान क्या होता है, एक होता है। ये चीज एक कब हो सकती है, जब ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, अपन को पता है ये दोनों बराबर ही है, हमने भाई देखा है कि भाई CA जो है वो CB पर संपाती है, इसका मतलब कि ये बराबर है। अब मैं यहाँ पे CB की जगह CA लिख सकता हूँ या CA की जगह CB, कुछ भी लिखो आप, तो CA लिख दिया मैंने, CA by CA क्या हो गया एक, ऐसे cos 0 डिग्री का मान मेरे क्या आ गया, एक आ गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं नंबर तीन जो कि मेरा है tan 0 डिग्री। tan क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है CD, तो लंब आधार सॉरी AB का मान वही वापस साइन वाली बात आ गई, यहाँ पे AB का मान क्या है जीरो। अब CD का मान कुछ भी हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जीरो में किसी का भाग देंगे तो आना क्या है, जीरो ही आना है। तो टेन जीरो का मान मेरे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। चौथा देखो भाई कोसेक जीरो डिग्री, कोसेक जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है मेरा CA और लंब क्या है मेरा AB। अब AB का मान अपने को पता है, CA का कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। तो कोसेक जीरो डिग्री का मान क्या हो गया, अनंत, और यही था। अब पांचवा देखो भाई, पांचवा क्या होता है अपने सेक जीरो, सेक क्या होता है भाई, कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है ना सी ए, आधार क्या है सी बी, वही बात वापस कोस वाली, सी बी बाई सी ए, सी ए बाई सी बी है, मतलब अब किसी को भी मैं इसको सी बी लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, सी बी बाई सी बी मतलब ये दोनों इक्वल संपाति है, तो सी बी बाई सी बी क्या हो जाएगा एक। तो ऐसे सेक जीरो का मान मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया, ठीक है भाई दोस्तों। आगे देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छठा कोट जीरो डिग्री, कोट क्या होता है भाई, आधार बटा लंब, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, टेन का उल्टा, तो आधार क्या है मेरा सी बी और लंब क्या है ए बी। अब देखो भाई वापिस वही बात, सी बी ए बी का मान क्या है, ए बी का मान जीरो डिग्री सॉरी जीरो है, तो सी बी में किसी का भी भाग दूं सॉरी किसी भी संख्या में जीरो का भाग दूं तो आना क्या है मेरे इनफाइनाइट आना है, तो कोट जीरो डिग्री का मान क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपके छः के छः मान आ गए, ये आपके छः के छः मान आ चुके हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जीरो का ये हो गया 4560 का पिछले वाले वीडियो में और 3060 का उससे भी पिछले वाले वीडियो में। तो कुल मिला के आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों से जो हमने सारणी बनाई थी वो किस प्रकार बनी है, वो किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है एकदम अच्छी तरीके से चित्र की सहायता से। अब आपको कोई भी इस चीज़ के लिए डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई वो मान कैसे आए, अगर आप कभी भूल भी जाओ मान एग्जाम में तो ये हालांकि लंबी प्रोसेस हो जाएगी, आपको भूलना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपको पूछ ले कोई कि भाई ये मान कैसे आए तो आपको पता रहना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये बता दी ये चीज़। तो आप अच्छे से ध्यान से कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपको कि भाई इसके लिए मान व्युत्पन्न कीजिए, साइन जीरो के लिए मान जो जीरो आता है वो कैसे आता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और पढ़ते रहना, उदाहरण करना।
एग्जांपल्स जो है वो आप ट्राई करना, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना, और पढ़ते रहना, मजे करते रहना। थैंक यू वेरी मच।